अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कंप्यूटर में दो तरह की बसें इस्तेमाल होती हैं, एक हमारे पास सिस्टम बस होती है और एक एक्सपेंशन बस होती है। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी सिस्टम बस है जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है डाटा बस। डाटा बस इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब जो डाटा बस है ये क्या काम करती है, डाटा को मुख्तलिफ कंपोनेंट तक रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डाटा की जो ट्रांसफॉर्मेशन है कंपोनेंट के दरमियान, उसके लिए हम डाटा बस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। के अब अगर सीपीयू की मेन मेमोरी से कोई चीज़ एग्जीक्यूशन के लिए लेनी है तो ये डाटा बस उसे ट्रांसफर करेगी। इट इज ऑल्सो ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब क्या करेगी, ये जो हमारे पास मेमोरी में डाटा पड़ा हुआ है या इनपुट आउटपुट की कोई एग्जीक्यूशन हो रही है, कोई ऑपरेशन लग रहा है, तो वो मेमोरी से डाटा उस ऑपरेशन को देगी कि इसको ऑपरेशन ये वाला लगना है। द नंबर ऑफ लाइन इन डाटा बस अफेक्ट द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। अब क्या, हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस होती हैं ये अफेक्ट करती हैं डाटा बस की स्पीड के। जितनी लाइन ज़्यादा होंगी उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। डाटा बस विद मोर लाइन्स कैन मोर डाटा। वही बात कि अगर ज़्यादा लाइन्स होगी बस में तो उसमें जो कैरी करने की स्पीड है या विड्थ है वो भी ज़्यादा होगी। सी पी यू कैन रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी यूजिंग दीज लाइन। अब उस लाइन को यूज करते हुए सीपीयू क्या करेगा, मेमोरी से डाटा रीड कर सकता है, या फिर सीपीयू कैन राइट डाटा टू मेमोरी लोकेशन यूजिंग दीज लाइन। उस लाइन को इस्तेमाल करते हुए सीपीयू मेमोरी में डाटा को राइट भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास होती है एड्रेस बस, जिसका जैसा कि इसके नाम से जाहिर है एड्रेस बस, एड्रेस जैसा कोई पता होता है उसके लिए हम एड्रेस इस बस इस्तेमाल करते हैं। मैनी कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू बसेस। बहुत ज़्यादा कंपोनेंट हमारे बसों के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ईच कंपोनेंट इज असाइंड अ यूनिक आईडी। अब हर जो कंपोनेंट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है उसकी कोई एक यूनिक आईडी होती है। बेसिकली उस आईडी, हमारे पास जो यूनिक आईडी है उसको क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट, कि उस कंपोनेंट का हमारे पास एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, हमने माउस कनेक्ट किया हुआ है, या हम कह देते हैं कि हमने सीपीयू कनेक्ट किया, सीपीयू का जो हमारे पास एड्रेस है, आईडी है, वो उसका एड्रेस होगा। इफ़ अ कंपोनेंट वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर कंपोनेंट, अब अगर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इट यूज एड्रेस बस टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ कंपोनेंट। तो वो क्या, एड्रेस बस को कहेगा कि ये हमारा जो एड्रेस है वो दूसरे कंपोनेंट के पास ले जाओ, मेरा कम्युनिकेशन उसके साथ करवाओ। द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, ये हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होती है। इट कैन कैरी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब ये कि यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ये लेके जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने सीपीयू से मेमोरी की तरफ डाटा लेके जाना है तो ये सिर्फ और सिर्फ सीपीयू से मेन मेमोरी की तरफ डाटा लेके जाएगी, मेन मेमोरी से वापस डाटा नहीं लेके जाएगी। इट कैरीज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम माइक्रोफोन प्रोसेसर टू मेन मेमोरी। द नंबर ऑफ लाइन इन द एड्रेस बस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट कैन डायरेक्टली एड्रेस। वही बात कि इसमें जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं, डिटरमाइन करती हैं कि इसमें डायरेक्टली कितने एड्रेस आएंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास इसका होती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या होती है हमारे पास, कंट्रोल बस इज यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड आर कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। के कंट्रोल बस हमारे पास जो कमांड या हमारे पास सिग्नल होते हैं एक कंपोनेंट के, वो दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसफर करती हैं, लेके जाती हैं या लेके आती हैं। सपोज सीपीयू वांट टू रीड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी, फर्ज करें कि सीपीयू मेन मेमोरी से डाटा रीड करना चाहता है तो वो क्या करेगा, इट विल यूज कंट्रोल बस टू सेंड मेमोरी रीड कमांड टू द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। अब सीपीयू एक कमांड भेजेगा मेन मेमोरी को, क्या कमांड भेजेगा, मेमोरी रीड की कमांड भेजेगा कि मैंने मेमोरी रीड करनी है। द कंट्रोल बस इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल लाइक ए सी के एस। अब जो हमारे पास कंट्रोल बस है ये क्या इस्तेमाल करती है, हमारे पास कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो क्या होते हैं, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। हमारे पास कुछ एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होते हैं, उनको ट्रांसमिट करने के लिए भी हम कंट्रोल बस इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट द सी पी यू गिव अ कमांड टू द मेन मेमोरी टू राइट डाटा। अब जैसा हमने ऊपर देखा है
कि अगर सीपीयू ने मेमोरी को क्या करना है, डाटा रीड करना है, तो वो मेमोरी रीड की कमांड देगा। अगर इसी तरह सीपीयू ने मेमोरी मेन मेमोरी में डाटा राइट करना है, तो वो उसको कमांड देगा द मेमोरी सेंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू सीपीयू आफ्टर राइटिंग द डाटा सक्सेसफुली। अगर जब वो सीपीयू क्या करता है, मेन मेमोरी में डाटा सक्सेसफुली राइट कर देता है, तो उसे क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट क्या करेगा, उसे सक्सेसफुली की कमांड दे देगा कि आपका सक्सेसफुली डाटा राइट हो गया। सीपीयू रिसीव द सिग्नल एंड देन मूव परफॉर्म सम अदर एक्शन, कि सीपीयू क्या करेगा, वो सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर उसके बाद कोई और कमांड या कोई और एक्शन परफॉर्म करेगा जब उसे पता चल जाएगा कि मैंने जो कमांड मेन मेमोरी को दी है राइट करने की, वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।